हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बॉय भाई के लिए नाश्ता। तो यहाँ पे मामू जो है कि नाश्ता लेने के लिए गए हुए थे, तो मामू अलग अलग तरह की सारी डिशेस लेकर के आए हैं। और उनको इन सारे सामान को इकट्ठा करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग गए थे, और सुबह सुबह ही चले गए थे। तो ये बारात वाला दिन है, मतलब बारात की सुबह का। और यहाँ पे अभी नाश्ता वगैरह देख सकते हैं आप लोग, कितने तरह के बिस्किट हैं, कितने तरह की मिठाइयाँ हैं, हार फूल हैं, बिरयानी है, सभी कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रूट्स वगैरह भी अलग अलग वैरायटी के हैं। तो बस यहाँ पे ये मामू उनको हार फूल पहना रहे हैं, और साथ में है हमारा छोटे बॉबी। तो ये छोटा बॉबी जो है कि हमारा भाई ही है। तो यहाँ पे सभी लोग, इनके दोस्त वगैरह बैठ गए हैं, मामू हैं, बिक्की भाई वगैरह, हम सभी लोग भी बैठे हुए हैं साथ में ही। तो एक एक करके सभी लोग खिला रहे हैं बॉबी भाई को अपने अपने हाथों से। और यहाँ पे हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी चल रहा था कि भाई भाई को एक बार में ही खाना है कोई भी फ्रूट वगैरह, या फिर कोई भी मिठाई, मतलब तोड़ के नहीं खानी है। तो अब सभी लोग एक ही बार में खिला रहे हैं, तो ऐसा मजाक हम लोगों का चल रहा है, हंसी मजाक। तो यहाँ पे नाश्ता पानी तो हो चुका है, तो अभी यहाँ पे बारात की तैयारी चल रही है। भाई को तैयार कर रहे हैं, जिसे निकासी बोला जाता है। मैं यहाँ पे सापा बांधा बांधा जा रहा है। तो पहले जो है कि साफा बांधने के बाद मखना डाला जाता है, और मखने के बाद सहरा बांधा जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों, इन दोनों लोगों ने, विक्की भाई ने और इन्होंने दोनों ने ही सहरा बांधा था भाई के। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ बारात के लिए, और पर्स मैंने ये वाला लिया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, जो ज्वेलरी वगैरह, पैसे वगैरह। तो इसलिए मुझे ये वाला पर्स लेकर जाना पड़ा, वरना मैं अपना मैचिंग का पर्स लेकर जाती। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और हम लोग अभी फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं, अपना वीडियो वगैरह शूट हो रही है। तो हम लोग तो यहाँ से ही रेडी होकर के गए थे, लेकिन इन लोगों ने, जो जेंट्स जेंट्स लोग थे यहाँ से, वो लोग कपड़े पहन करके नहीं गए थे क्योंकि फिर ख़राब हो जाते हैं इसलिए। लेकिन हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ से ही रेडी होकर के गए थे। सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है ग्वालियर तक का, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से रेडी होकर के ही जाते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे अभी काजल लगाई की रस्म कर रही हैं भाभी, जो कि भाभी करती हैं, तो मेरी बड़ी मम्मी की बहू हैं, तो वो काजल लगाई की रस्म कर रही है। यहाँ पे भाई को काजल लगा रही है। यहाँ पे मम्मी ने उनको एक जोड़ा और साथ में गोल्ड के इयररिंग्स और कुछ पैसे भी दिए थे। तो एक शगुन होता है ये। तो हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से तैयार हुई हूँ। वैसे मैं आज जाने का सोच रही थी कि मैं पार्लर से ही तैयार होंगी, लेकिन पार्लर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, और मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं कि मैं पार्लर पर जाकर तैयार होती। तो हम लोग ग्वालियर तो पहुंच चुके हैं, और हम लोग अभी यहाँ पे एक गार्डन में आ चुके हैं जहाँ पे बारातियों को नाश्ता दिया जा रहा है।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गार्डन में जहाँ पे नाश्ता वास्ता किया जा रहा है। तो बस अभी हम लोग जस्ट बस से उतरे हैं और यहाँ पे अभी जो है कि बॉबी भाई की गाड़ी नहीं आई है और साथ में लवली बाजी और अंजू बाजी भी आ रही हैं साथ में ही, लेकिन मैं आई थी बस से तो बस में उतर चुकी हूँ साथ में। तो अभी बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं हम लोग, तब तक करेंगे नाश्ता वास्ता। तो यहाँ पे जो है कि बॉबी भाई को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो ड्रेस पहने हुई है ये हम दोनों बहनों की तरफ से ही था, तो बस भाई ने यहाँ पे ड्रेस चेंज कर लिया और इन लोगों ने भी ड्रेस अपना अपना चेंज कर लिया है। तो फिर से यहाँ पे बॉबी भाई का दूसरा सेहरा लगाया जा रहा है। तो बस अभी बारात के लिए हम लोग निकल ही रहे हैं, सभी लोग का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि एक दो लोग आना बाकी हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमारा फैज़ान बैठ गया है घोड़े पे, क्योंकि फैज़ान थोड़ा सा जिद कर रहा था कि मुझे बैठना है, तो इसीलिए। और यहाँ पे सारा बैंड वगैरह भी रेडी हो चुका है। We'll be right back.
तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे चाचा और ये लोग दोनों डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे बाल कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा। मतलब कि हम लोग घर से ही थोड़ा सा टचअप करके आए थे तो फिर हो जाता है, इतना लंबा सफ़र हो गया था, 1 घंटा बहुत होता है। और यहाँ पे चल रहा है चाचा और हमारे फूफा जी का नागिन डांस, ये देख लीजिए, इतने मज़े आ रहे थे ना इस डांस को देख करके। और फूफा ने काफ़ी टाइम के बाद ये नागिन डांस किया है, मतलब मेरे चाचा की शादी में किया था उस टाइम के बाद, अभी बॉबी भाई की शादी में डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पापा भी डांस कर रहे हैं साथ में। और जैकी भाई कभी भी डांस नहीं करते हैं, लेकिन आज जैकी भाई ने भी थोड़ा सा डांस किया, अच्छा लगा सभी को। तो अभी हम लोग दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो है कि दरवाजे की कुछ रस्में चल रही हैं, जिसमें फूफी जान इनकी कलश लेकर के खड़ी होती हैं, तो ये भी एक रस्म होती है। और यहाँ पे इनका, जैसे ही भाभी भाई घोड़े से उतरे हैं, वैसे ही इनका एक मेरी भाभी का छोटा भाई वो घोड़े पर बैठ गए थे, और उसमें भी एक रस्म होती है जिसमें भाई को पैसे दिए जाते हैं या कोई भी गिफ्ट दिया जाता है। और यहाँ पे हमारे पापा का और हमारे सारे बारातियों का वेलकम किया जा रहा है। तो ये हैं हमारी भाभी की तरफ वाले सारी लेडीज़ें वगैरह हैं, और उनकी भाई की सासू मम्मा हैं, तो वो इनका वेलकम कर रही हैं भाई का। तो ये जो थाल पकड़ी हुई हैं, ये है मेरी भाभी की मम्मी, और ये जो हार फूल पहना रही हैं भाई को, उनका वेलकम कर रही हैं। तो ये हैं इनकी चाची भी लगती हैं, इनकी खाला भी हैं, तो दोनों ही रिश्ते हैं। और माशाल्लाह से सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और यहाँ पे मेरी भाभी भी आ चुकी हैं, तो ये भी एक रस्म होती है जिसमें दूल्हे के ऊपर फूल वगैरह फेंके जाते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग भी और सभी बाराती वगैरह भी हम एंटर कर रहे हैं अंदर गार्डन के अंदर। पे जो है कि अभी भाई वगैरह सभी लोग बैठ चुके हैं और अभी भाभी का इंतज़ार किया जा रहा है। भाभी भी आएंगी तब दोनों का निकाह होगा। तो अभी जो है कि भाभी भी आ चुकी हैं और वो भी स्टेज पर ही बैठेंगी, तो दोनों का आमने सामने बैठ करके ही निकाह होगा। और बीच में पर्दा डाला गया है, तो यहाँ पे एक साइड में लड़की वाले और एक साइड में लड़के वाले सभी लोग बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि निकाह चल रहा है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आएँ और हमारे घर में भी बहुत सारी खुशियाँ आएँ और इन दोनों की जो लाइफ है बहुत अच्छे से गुजरे, दोनों एक दूसरे को समझें, बहुत अच्छे से जानें पहचानें सब, है ना। आप लोग भी दुआ करना इन लोग के लिए, दोनों के लिए।
निकाह हो चुका है और यहाँ पे बॉय भाई के दोस्त और हमारे जो ब्रदर वगैरह हैं वो सभी लोग भाभी भाई को कॉन्ग्रेच करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे जो है कि मेरे दादा, बड़े पापा और चाचा वगैरह सभी लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और यहाँ पे निकाह के पैकेट्स भी सभी को दे रहे हैं बिक्की भाई। तो निकाह तो हो चुका है और अभी सभी लोगों के यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक की जा रही हैं, कुछ वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पे स्टेज के ऊपर से सारा जो कर्टन्स वगैरह का डेकोरेशन था वो सभी कुछ हट चुका है और अभी बॉबी भाई दोबारा से एंटर कर रहे हैं और भाभी के यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए जा रहे थे। तो यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम दोनों ही खड़े हो गए हैं, निकाह हो चुका है और माशाल्लाह इस जोड़े में भाभी बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और भाई भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और ये जोड़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे दोनों ही। और बस आप लोग भी बहुत सारी दुआएं दे दीजिए दोनों को कि दोनों अच्छे से रहें, इनकी जो लाइफ है बहुत अच्छे से गुजरे। तो निकाह होने के बाद में जो है कि दूल्हे को मीठा शरबत जिसे बोल सकते हैं वो कटोरे में पिलाया जाता है और पहले दूल्हा पीता है फिर उसके बाद में दुल्हन पीती हैं। तो इस तरह से एक रस्म होती है ये भी। तो इस रस्म को करने के बाद में मेरे जो चाचा हैं वो भाभी की गोद भर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है कि तीन बार गोद भरी जाती है, एक तो सगाई में भरी जाती है फिर दो बार शादी में भरी जाती है। तो इस तरीके से जो पहली गोद है अभी जो मेरे चाचा भाभी की गोद भर रहे हैं। और फिर उसके बाद में मेरे छोटे वाले चाचा वो भी भाभी की गोद भर रहे हैं। यहाँ पे जो शादी में दो बार भाभी की गोद भरी गई थी।
तो यहाँ पे जो है कि दूल्हे की सालियाँ आ चुकी हैं मेहंदी करने के लिए, तो बॉय भाई की सालियाँ आ रही हैं बॉय भाई को मेहंदी लगाने के लिए। तो ये भी एक रस्म होती है, सभी लोगों के यहाँ पे होती होगी। तो साली जी जो है कि एक उंगली में मेहंदी लगाती हैं, उसके बाद में मुंह मीठा कराती हैं, हार फूल पहनाती हैं, उसके बाद में उनको नेक दिया जाता है दूल्हे की साइड से। तो यहाँ पे जो है कि सारी रस्में हो चुकी थी, लेकिन ये लास्ट रस्म बचती है जो कि पीले हाथ बोला जाता है दुल्हन के, और दूल्हे का सलामी भी बोला जाता है। तो दोनों ही लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये एक इतना ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा। इसमें जो है कि मेरी भाभी के पापा उनको हाथ पीले कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा इमोशनल। यहाँ पे ये नहीं सोचा जाता है कि हम लड़की वाले हैं लड़के वाले हैं, लेकिन हम दोनों बहनें भी यहाँ पे इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे ना, ऋचा भी रोने लग गई थी और मैं भी। तो मैं ऋचा को थोड़ा सा चुप करा रही थी कि अभी शांत हो जाओ, और बस यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है कि हमें किसी को छोड़ करके जाना है, किसी और के घर जाना है। यहाँ पे जो है कि विदा हो चुकी है, और अभी हम लोग लेकर के जा रहे हैं अपनी भाभी को हमारे घर, और बस हम लोग अभी पीछे पीछे ही चल रहे हैं। और ये देख लीजिए हम लोग आ गए हैं घर पे, इतने ज़्यादा थक गए थे ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 5 बज रहे हैं, तो अभी सभी भाभी को अंदर हम लोग लेकर के जाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इससे आगे आप लोगों को भाभी की हमारे घर पर आई हुई सारी रस्मों की वीडियो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। वो सभी कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और चलिए फिर, अल्लाह।